मित्रों आइए सुनते हैं महारानी अहिल्याबाई की सच्ची न्याय की गाथा। मित्रों एक बार मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में एक रास्ते से महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के पोते मालोजी राव का रथ निकला। उनके रास्ते में हाल ही की जन्मी गाय का एक बछड़ा सामने आ गया। मित्रों गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए दौड़ी। तब तक मालो राव जी का रथ गाय के बछड़े को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। किसी ने उस बछड़े की परवाह नहीं की। गाय के बछड़े के निधन से दुखी होकर बछड़े की माँ मतलब गाय सड़क पर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद अहिल्याबाई वहाँ से गुजरी। अहिल्याबाई ने गाय को और उसके पास मृत पड़े बछड़े को देखकर घटनाक्रम के बारे में पता किया। सारा घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्याबाई ने दरबार में मालोजी राव की पत्नी मैनाबाई से पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मालोजी राव की पत्नी ने जवाब दिया, उसे प्राण दंड देना चाहिए। मित्रों देवी अहिल्याबाई ने मालो राव को हाथ पैर बांध कर मार्ग में डाल देने के लिए कहा। फिर उन्होंने आदेश दिया, मालो जी को मृत्यु दंड रथ से टकरा के दिया जाए। ये कार्य कोई भी साथी करने को तैयार न था। देवी अहिल्याबाई न्याय प्रिय थी, अतः वह स्वयं ही माँ होते हुए भी इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गई और रथ में सवार हो गई। वो रथ को लेकर जैसे ही आगे बढ़ी तभी एक अपरिचित घटना घटी। मित्रों वही गाय फिर से रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे जितनी बार हटाया जाता था वो पुनः अहिल्याबाई के रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। ये दृश्य देखकर मंदिर परिषद ने देवी अहिल्याबाई से मलो जी को क्षमा करने के लिए कहा, जिसका आधार उस गाय का व्यवहार बना। मित्रों इस तरह गाय ने स्वयं को पीड़ित होते हुए भी मलो जी राव को द्रौपदी की तरह क्षमा करके उनके जीवन की रक्षा की। इंदौर में जिस जगह ये घटना घटी वो स्थान आज भी है गाय के आड़ा होने के कारण आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान पर गाय ने अड़कर दूसरे की रक्षा की थी। अक्रोध से क्रोध को और प्रेम से घृणा को और क्षमा से प्रतिशोध की भावना का समन होता है।